नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ए न्यूज़ टुडे की टीम मौजूद है और मंत्री हमारे साथ कुशल किशोर जी हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट का योगी सरकार का प्लान है और आज उसी के सिलसिले में लखनऊ में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। किस तरह से आप इस विज़न को पूरा करेंगे? देखिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रखा है, जिससे तमाम इन्वेस्टर्स जो है अपना धन यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हुए कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक के मामले में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी $1 ट्रिलियन का एक इन्वेस्ट यहाँ पर कराना चाहते हैं और मुझको लगता है वो निश्चित तरीके से पूरा होगा। और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो इन्वेस्टर्स का एक हब बनता चला जा रहा है। अभी आंकड़ों से ये पता लगा सर कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, MSME वगैरह है उसका 3,000 करोड़ का आया, बाकी अदर जो लघु उद्योग जो है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। हमारे लखनऊ जनपद में 912 गाँव पंचायतें हैं, राजस्व गांव। उन राजस्व गांव में सभी जगह प्रयास किया जा रहा है कि पहले एक कुटीर उद्योग, फिर धीरे धीरे करके 10 कुटीर उद्योग तक प्रत्येक गांव पंचायत गांव राजस्व गांव में लगा के लगभग 10,000 छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने का जिला प्रशासन का भी है, हमारी सरकार का भी है, हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का काम करना चाहते हैं, धीरे धीरे कुटीर उद्योग को आगे बढ़ावा देगा। एक आखिरी सवाल सर, युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में युवा उद्यमी कैसे बनेगा और युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे योगी सरकार और आपकी क्या योजना है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक बैंक से एक महिला को और एक SC समाज के लोगों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर उद्यमी बनाने के लिए 4 अप्रैल 2016 को स्टैंडअप योजना लागू की थी। इसके अलावा कोई भी उद्यमी बनना चाहता है, खादी ग्राम उद्योग से या बड़ा उद्योग करना चाहता है, तो बैंक उनको लोन उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार इसके लिए कौशल विकास मंत्रालय का भी गठन किया है, सारी चीज़ें सरकार उपलब्ध करा रही है। बस उद्यमी जो लोग तैयार हैं वो ट्रेनिंग लें और उद्यमी बनने का काम करें।